हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरी नेक्स्ट डे का ब्लॉग, मतलब डेट के हिसाब से बोलूँ तो 19 अप्रैल मंडे का दिन है ये। और मॉर्निंग रूटीन का एक और हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है पोछा लगाना। तो चल रहा है मेरा सुबह का काम। फिर मैं आ गई हूँ किचन पे बनाने के लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ वर्मिसली उपमा, आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप वर्मिसेली, जिसे सेविया भी बोलते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। सेविया को रोस्ट करने के साथ साथ ही मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ काट रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा पत्ता गोभी। आपको बीच बीच में सेविया को थोड़ा सा चलाना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ भी कर दिया है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे पत्ता गोभी काट चुकी हूँ और यहाँ पे काट रही हूँ मैं ग्रीन कैप्सिकम। उसी के साथ साथ मैं और एक सब्जी भी काटूंगी, वो है गाजर। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। अगर कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं है या फिर खाना नहीं चाहते तो आप बिना सब्जी के भी इसे बना सकते हैं। एक्चुअली मैं प्रिफर करती हूँ ज़्यादा सब्जियाँ डालने की, कोई भी ब्रेकफास्ट में बनाऊँ, चाहे मैं वो पास्ता बनाऊँ, पोहा बनाऊँ या फिर सेवई बनाऊँ, जो भी बनाऊँ मैं वहाँ पे भी सब्जियाँ डालती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि सब्जियों में कितना विटामिन्स होता है, और चाहे वो गाजर हो या फिर पत्ता गोभी हो, सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ विटामिन्स तो होता ही है। और खाली ऐसे ही आप अगर गाजर दे दोगे ना, बच्चे नहीं खाएँगे। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हर चीज़ों में सब्जियाँ डाल सकूँ और खिला सकूँ। प्याज को अच्छे से चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे सेवई निकाल के कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लिया है और यहाँ पे डाल दिया है 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल गरम होने के बाद मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत जीरा। जीरा थोड़ा सा क्रैकल होने के बाद हम ऐड करेंगे अदरक। अदरक यहाँ पे मैंने आधा इंच अदरक को ग्रेट करके लिया है। और इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज। इसे अच्छे से मिक्सन अप कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे, मतलब 30 सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे। फिर ऐड करेंगे सारी सब्जियाँ। सब्जियों को हम कुछ देर के लिए भूनेंगे, उसी के साथ साथ ही हमारे प्याज भी भून जाएगी अच्छे से। और सब्जी डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि सेवई में भी नमक नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैं और कोई भी मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्सन अप कर लेंगे और ढक्कन लगा के थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आपको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो बीच बीच में चलाएंगे और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, ये हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैगी का टेस्ट मेकर, जो मैगी के पैकेट के साथ मिलता है। आप इसकी जगह मसाला ए मैजिक जो मिलता है मैगी का, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है रोस्टेड सेवैयाँ, तो उसी को अच्छे से मिक्सन अप कर लेंगे। अगर आप कम नमक डाले हुए हैं तो आप इस स्टेज पर नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सन अप करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये ना मेरा घर की पिसी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा तीखा है तो मैं इसीलिए कम इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टमेटो सॉस। आप यहाँ पे टमेटो सॉस और रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और अगर आप सॉस डालना नहीं चाहते तो आप प्याज के साथ टमेटोज को भी चॉप करके डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्सन अप कर लेंगे और जितना पानी चाहिए, मतलब ज़्यादा पानी नहीं, जितने पानी में ये सेवैयाँ और सब्जियाँ डूब सके उतना ही पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं मैं कितना पानी यहाँ पे डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरी सारी सब्जियाँ पूरा भी नहीं डूबे हैं, बस इस तरह ही डूबना चाहिए, नहीं तो ये मैसी से बन जाएंगे और आपकी सेवैयाँ खिला खिला नहीं बनेंगे।
और यहाँ पे बीच में मैंने डाल दिया है देसी घी 1 टेबल स्पून, और उसी के साथ उसी के ऊपर ही मैंने डाला हुआ है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे हमें अभी हाई फ्लेम में छोटे छोटे उबाल आने तक ही पकाएंगे। ये देखिए साइड से छोटे छोटे उबाल आ चुके हैं, बस इसी स्टेज पे भी हम ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप बीच बीच में ढक्कन खोल के चेक कर सकते हैं। आप साइड से स्पाटुला लगा के थोड़ा सा हटा के देखिएगा तो नीचे अगर पानी दिखाई दे रहा है, जैसा कि मरा अभी दिखाई दे रहा है, तो इसे और थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। अगर पानी ख़त्म हो चुका है और पूरा ड्राई हो चुका है तो आपके सेवैयाँ उपमा रेडी हो चुका है। ये देखिए मेरा सेवैयाँ उपमा रेडी हो चुका है, मगर अभी हमें इसे चलाना नहीं है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा के 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर सर्व करेंगे। इसे आपकी उपमा खिले खिले बनेंगे। ये देखिए मेरे उपमा कैसे खिले खिले बने हैं। मैं पहले भी वर्मिसली चाउमीन की रेसिपी इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे त्रिशा का ब्रेकफास्ट शुरू हो गया है, मैं इसे ब्रेकफास्ट करा रही हूँ और उसके पापा भी नहाने गए हैं, आने के बाद वो ब्रेकफास्ट करेंगे और उनके साथ मैं भी कर लूँगी ब्रेकफास्ट। तो अभी त्रिशा को मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, वो बेसिकली बहुत लेट करती है खाने में और खिलाते खिलाते टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए खिलाते खिलाते ही मैं उसे थोड़ी बहुत बता रही हूँ कि कैसे लिखना है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि आज से उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो अभी 10 बजे उसका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उससे पहले मैं उसे थोड़ा बहुत बता रही हूँ कैसे लिखना है क्या लिखना है। और आप देख सकते हैं वीडियो में वो कितनी बातें करती है, मतलब सुनेगी नहीं किसकी बात, सिर्फ खुद ही बोलती रहेगी। तो वो ही चल रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, अभी टाइम हुआ है 9:30 और मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हुई हूँ कुछ काम ख़त्म करके। हम लोगों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, त्रिशा का तो मैंने आपने देखा होगा मैंने इसको खिला दिया था, उसके पापा और मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है। और अभी त्रिशा बैठी अपने पापा के पास थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो रही है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 10:15 से, मतलब 10 बजे उसका क्वेश्चन आएगा। मैं जाऊंगी लिखने के लिए क्वेश्चन, 15 मिनट में मुझे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उन लोगों का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो इसलिए मैं तब कब तक उसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा पता नहीं, मुझे तो बैठना है उसके पास ही, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना आधा अधूरा काम ख़त्म कर रही थी, मतलब कुछ एक सब्ज़ी बना दिया है, राइस अभी तक नहीं बनाया है, लास्ट में बनाऊंगी सोची, और एक सब्ज़ी गैस पे चढ़ा के आई हूँ, तो वही चल रहा है। देखते हैं एग्ज़ाम कैसे देगी, मतलब उसका मूड ठीक होगा ना तो वो 10 मिनट में सब कर देगी, अगर मूड ख़राब हो गया तो वो बैठी रहेगी दिन भर में भी कुछ नहीं लिखेगी। तो इसीलिए ना थोड़ा सा डर लग रहा है, उसका ना जो सीरियसनेस होता है एग्ज़ाम में वो नहीं है, तो देखते हैं कैसे एग्ज़ाम देती है। और आपको एक बात बताना था मुझे, मतलब आप अगर मुझे ना फेसबुक पे जुड़े नहीं हैं, मेरे फेसबुक पेज पे स्वस्तिका किचन हब पे आप जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करिए स्वस्तिका किचन हब, आपको मेरी चैनल मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ की रिटिन वर्जन चाहिए, मतलब रिटिन में चाहिए रेसिपीज़, तो आपको मेरे ब्लॉग में वो मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन पे बनाने के लिए कच्चे आम का शरबत, बहुत ही यमी ड्रिंक है दोस्तों, आपके साथ भी शेयर करूँगी रेसिपी। और वहाँ पे त्रिशा का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसका डिमांड था कि वो जूस पिएगी, तो घर पे रेडीमेड जूस है वो पीती रहती है हमेशा, लेकिन आज मैंने सोचा कि घर पे आम है तो मैं बना लेती हूँ आम का शरबत और आपके साथ भी शेयर कर लूँगी रेसिपी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और आम को अच्छे से धोने के बाद पील कर लिया है, और पील करने के बाद मैं यहाँ पर इसे छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, क्योंकि बेसिकली हमें इसे ना उबालना है, जैसे छोटे छोटे पीसेस में काटने से ये अच्छे से उबल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे इसी तरह चॉप कर रही हूँ।
इसे अच्छे से चॉप करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 कप पानी ऐड करूँगी। इसे मुझे अभी उबालना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, 2 सीटी के बाद इसे निकाल लीजिए, ये अच्छे से पक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह ही पका रही हूँ और आपको इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है। और जब आपको लगे ये अच्छे से पक चुके हैं, फिर आपको चीनी ऐड करना है। अगर आप पहले से ही चीनी ऐड कर लेंगे ना, तो आम का पकने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए आम जैसे अच्छे से पक जाए उसके बाद आपको चीनी ऐड करना है। और मैं यहाँ पे 6 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे हम शुगर सिरप बनाते हैं ना, बस उसी तरह ही इसे हमें उबालना है। 1 से 2 उबाल लाएंगे, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आप आम को प्रेशर कुक कर रहे हैं तो आप अलग से शुगर सिरप बना लीजिए, फिर मैंगो के पल्प को उसी में डाल के 1-2 उबाल ला लीजिए। आप उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह बनाने से 2 बर्तन निकलेगा, तो इसीलिए मैं काम को थोड़ा हल्का बनाने के लिए 1 ही बर्तन में आम को उबाला है और उसी में ही चीनी डाल के शुगर सिरप बना रही हूँ। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप उसी हिसाब से बना लीजिए। ये देखिए मेरे आम अच्छे से पक चुके हैं। अभी इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी इसे हमें ठंडा करना है, मतलब फ्रीज में नहीं, ऐसे ही आपको बाहर रखना है और रूम टेम्परेचर पे लाना है। ये देखिए हमारा मैंगो का प्यूरी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसे मैं एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से आम के शरबत में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही में ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है। आप इस कंसेंट्रेट को 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में। नींबू के रस डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीना पत्ता। 15 से 20 पुदीना पत्ता मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे आम के शरबत में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून रॉक सॉल्ट। मार्केट में जो कच्ची करी का शरबत मिलता है ना, उसका लुक देने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन कलर का। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये फुल्ली ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसे मार्केट जैसा लुक देने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमें अभी एक प्यूरी बना लेना है। ये देखिए मैंने एक प्यूरी बना लिया है। इसे एक स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे। ये देखिए हमारा कच्चे आम का कॉन्सेंट्रेट बनके रेडी हो चुका है। इसे आप फ्रीज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब चाहे निकाले और अपने कॉन्सेंट्रेट के स्वाद के अनुसार ठंडा पानी या फिर सोडा के साथ इस गर्मी के मौसम पे एंजॉय करिए। मैं यहाँ पे आइस डाल चुकी हूँ दोनों ग्लास पे और डाल रही हूँ 3-3 टेबल स्पून कॉन्सेंट्रेट। आप टेस्ट करके ही पानी ऐड करिएगा। अगर आपकी कंसेंट्रेट ज़्यादा खट्टा मीठा नहीं है तो आप कंसेंट्रेट का मात्रा बढ़ा सकते हैं और सोडा या फिर पानी की मात्रा घटा सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे 1 ही ग्लास पे डाल रही हूँ सोडा और 1 ग्लास पे डाल रही हूँ पानी। बहुत ही अमेजिंग एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक है फ्रेंड्स, अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी मेरे ये दोनों रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको मेरी ये व्लॉग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, न्यू ईयर पे कैसा है आपको? किसने दिया? दोनों ने। दोनों कौन है? दादी मम्मी। अच्छा, न्यू ईयर पे गिफ्ट किया था आपको? अच्छा, तो आप तो पैसे कमा देते, पैसे कमा के बाजार जाओगे, फिर आपके लिए क्या लाओगे, मम्मी के लिए क्या लाओगे, पापा के लिए क्या लाओगे, बाजार से क्या लाओगे? पापा
अच्छा पापड़ लेकर आओगे बाजार से दादी के लिए? अच्छा मामा के लिए क्या लाओगे? दोनों दोनों के लिए पापड़ लाओगे। और तीसरा के लिए क्या लाओगे? अपने लिए क्या लाओगे? आप भी पापड़ खाओगे? और क्या लाओगे? पापड़ तो लाओगे, और क्या लाओगे बाजार से? एक पापड़ लाना है, और क्या लाना है बाजार से? इसी के साथ एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। आई होप कि आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो। अगर कुछ सजेशन देना है मेरी ब्लॉग के बारे में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।